अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हुसैन ख्याल और आप देख रहे हैं द नॉलेज 110 बुक, जिसको मैं फॉलो कर रहा हूं। थॉमस पेन कैलकुलस 9th एडिशन, एक्सरसाइज 5, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 54, टैन ए माइनस बी को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, अब पहले आपने क्या करना है, जो ए माइनस बी है हमारे पास, इसको मैं लेट ए माइनस बी को मैं थीटा लूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, tan थीटा। अब आपने क्या करना है, tan थीटा तो आपको पता है कि हमारे पास क्या है, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। अब आपने दोबारा sin और cos थीटा की जगह आपने a माइनस b लिखना है, तो हमारे पास क्या आएगा, tan a माइनस b इज इक्वल टू sin a माइनस b डिवाइड बाय cos a माइनस बी। अब आपने sin a माइनस बी वाला फॉर्मूला लिखना है, sin a माइनस बी क्या है, sin a cos b, माइनस है इधर माइनस आएगा, cos a sin b होल डिवाइड बाय, अब cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, cos a cos b प्लस इधर माइनस है इधर प्लस लिखेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ए साइन बी। अब आपने क्या करना है, डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी, तो पहले साइन ए कॉस बी डिवाइड बाय cos a cos b माइनस cos a sin b डिवाइड बाय cos a cos b होल डिवाइड बाय cos a cos b डिवाइड बाय cos a cos b प्लस sin a sin b डिवाइड बाय cos a cos b। अब आपने देखना है जो कैंसिल हो रहे हैं, हमारे पास इधर cos b है cos b है, ये कैंसिल हो गया, इधर हमारे पास cos a ये भी कैंसिल हो गया, ये cos a cos b ये होल कैंसिल हो गया, इसमें कैंसिल गया, तो इसमें क्या बच गया हमारे पास, sin a डिवाइड बाय cos a माइनस इधर क्या बच गया, sin b डिवाइड बाय cos b होल डिवाइड बाय, इधर 1 बच गया 1 प्लस, तो sin a डिवाइड बाय cos a डॉट, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, sin b डिवाइड बाय cos b। अब आपने पहले पढ़ा, जो हमारे पास tan थीटा है वो किसके इक्वल है, sin थीटा और cos थीटा, इसका आपने लिखना है tan आंसर, tan a माइनस tan b, क्योंकि हमारे पास थीटा a है तो हम a लिखेंगे, थीटा b है तो b लिखेंगे, 1 माइनस, इसलिए आपने tan a इसकी जगह tan b, ये हमारे पास फार्मूला था जो प्रूव हो गया। नहीं।